बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लेंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक पोलर डायनेमिक मॉलिक्यूल जिसको हमने रिजिड रोटेटर नाम दिया, जब डायनेमिक मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव से एक्सपोज किया जाता है तो ये जो रोटेटर है वो सिलेक्शन रूल डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस वन को फॉलो करते हुए एनर्जी लेवल्स क्रॉस करता है। माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देखिए सिलेक्शन की बात करें, डेल्टा जे का प्लस वन और डेल्टा जे का माइनस वन, दो तरह के इक्वेशन है। प्लस वन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है जहां सैंपल का मॉलिक्यूल एक क्वांटम नंबर प्लस वन मिस अप करेगा। मैं अज्यूम करता हूं कि 100 सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं रोटेटर है, 100 सैंपल मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स 0, कुछ मॉलिक्यूल्स 1, कुछ मॉलिक्यूल्स 2, कुछ 3, अलग अलग रोटेशनल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रोटेशनल मोशन पहले से ही प्रोसेस कर रहे थे। 100 के 100 मॉलिक्यूल जे बराबर 0 रोटेशन लेवल पर नहीं होते हैं, कुछ जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं और हर लेवल में जो सैंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी नंबर भी अलग अलग होगी। अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 10, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20 नंबर मॉलिक्यूल्स। अब इस सैंपल मॉलिक्यूल की हम चर्चा करें और अलग अलग लेवल में अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट हैं और ऐसे सैंपल को जब हम लोग माइक्रोवेव से एक्सपोज करते हैं तब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इस रोटेशन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के बराबर होने पर, या कह दीजिए रोटेशन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जब मैच करेंगे तब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके डेल्टा जे बराबर प्लस वन एक लेवल अप करेगा, मीन्स 0 वाला वन में जाएगा, 1 से 2 में और 2 से 3 में। हमको देखा था कि जो स्पेक्ट्रम बनता है स्पेक्ट्रम का एक एक्सिस जो है वो रिलेटिव इंटेंसिटी का, जबकि दूसरा क्वांटम संख्या जे रोटेशनल क्वांटम संख्या जे का। स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनेंगी वो 2b अगली लाइन 4b अगली लाइन 6b उसके आगे 8b को शो करती है। स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो रेखा स्पेक्ट्रम बनेगा, अलग अलग लाइंस आती होंगी, लाइंस के बीच का गैप 2b इक्वी डिस्टेंस होगा, ये फर्स्ट लाइन इंडिकेट कर रही है 0 से फर्स्ट में जाने वाले मॉलिक्यूल्स को, ये सेकंड जो लाइन है बी वाली वो 4b एनर्जी गैप को बता रही है, वो फर्स्ट से सेकंड में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को बताती है। बच्चों यहाँ ये जो स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं इन लाइंस की हाइट को
इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता। उस स्पेक्ट्रम लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा होंगे। 0 से 1 में जाने पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 से 2 में जाने पर 30 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन 2 से 3 में जाने पर 20 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे में जब 1 से 2 में मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा होंगे 30। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इनमें से 4b से जो गैप शो करने वाली जो लाइन्स है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये यहां से यहां तक का गैप 2b, यहां से यहां तक का गैप 4b, ये वाला गैप। इटमीन्स 4b जो होगा वो गैप वाली लाइन सबसे ज्यादा होगी, ये वाला सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस लाइन की होगी। इटमीन्स स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी उस रोटेशनल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप 2b का है, यहाँ से यहाँ 2b और ऐड हो गया यानी 4b हो गया, यहाँ से यहाँ तक है 6b। ये वाली लाइन्स जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 मॉलिक्यूल्स है, इंटेंसिटी सबसे कम होगी। यहाँ से यहाँ 30 है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ से यहाँ 20 है तो 30 वाले से कम, मीन्स इस लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। तो स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रम रोटेशन स्पेक्ट्रम में वो डिपेंड करती है कौन सी रोटेशनल क्वांटम नंबर है, मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन कितनी थी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सेलेक्शन रूल्स, एमिशन वाला अप्लाई नहीं होता है। मीन्स माइनस वन का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये सेलेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ये वाला ही अप्लाई होता है। अब बोला मीन्स माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग एब्जॉर्प्शन फैक्टर की चर्चा करते हैं, ऐसे में सेलेक्शन रूल माइनस वन वाला एप्लीकेबल होगा ही नहीं, फिर प्लस वन का होगा। और ये इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है रोटेशनल क्वांटम नंबर्स की पॉपुलेशन पर। अगले वीडियो में हम लोग हाईएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा करेंगे जहाँ हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन मोशन करते हैं और बॉन्ड में पोलैरिटी वहाँ भी एसेंशियल होगी। माइक्रोवेव में पोलैरिटी मस्ट है और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी एसेंशियल होगी। ये दोनों की एक कॉमन कंडीशन है। तो अगले वीडियो में हम हाईएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा करेंगे।